हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो और आप धीरे धीरे अपना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर गेन कर रहे हो क्योंकि आपको चैनल को मोनेटाइज करवाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाता है उसके बाद अगर आप चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो, उसके बावजूद आपका चैनल नहीं होगा मोनेटाइज नहीं। जी हाँ गाइस, जैसे कि मैंने पहले दो वीडियो और ऑलरेडी इस टॉपिक बना दिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप लोग को ना अच्छे से समझ नहीं आया, क्योंकि भाई इस टॉपिक के बारे में अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा ना, तो आपका अगर 4000 वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा और सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। क्योंकि भाई इसको पता है, समझाने के लिए मैं इसीलिए बार बार वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई इस चीज को ना आप बिल्कुल ध्यान से समझ लो। जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि कौन कौन सी गाइडलाइन यूट्यूब के आ गई है, कौन कौन सा अपडेट आ गया है, कौन कौन सा फ्यूचर आ गया है, उस फ्यूचर में अगर आप काम करोगे ना, उस टॉपिक से अगर आप काम करोगे, उस गाइडलाइन से अगर आप काम करोगे, फिर भी तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर क्या बोलते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं भाई यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 अपडेट कर लो, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपका चैनल 100% मोनेटाइज नहीं होगा। बस आपको अगर एक चीज़ आपने गलत किया है, तो आपका अगर वीडियो पर कॉपीराइट आया फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, अगर आपने ये गलती की है ना, तो 100% आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। शॉर्ट वीडियो पे क्या होता है, शॉर्ट वीडियो पे होता है अगर आपका 10 मिलियन शॉर्ट व्यू कंप्लीट हो गया है और 500 सब्सक्राइबर या फिर 1000 सब्सक्राइबर हो गया, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता था। लेकिन भाई अब ये नहीं हो रहा है। अब देखो मैं आपको गाइडलाइन दिखाता हूँ यूट्यूब की, 5 गाइडलाइन थे, ठीक है ना। अभी तीन समय पता है छठवां आ गया, एक और आ गया और बीच में आके टपक गया है, वही सबका सत्यानाश कर रहा है। पहला क्या था, मेन थीम, मतलब जिस थीम पे आप काम करते हो, जिस पर्पज से आप काम करते हो, अगर यानी कि आप ब्लॉग बनाते हो या फिर साइंस टेक्नोलॉजी बनाते हो, कॉमेडी बनाते हो, मूवी बनाते हो, जो भी बनाते हो, एक ही टॉपिक पे आपको काम करना है। अगर आप टॉपिक चेंज करोगे ना, तो आपका जो चैनल है ना, वो पता है अदर व्यूअर के पास वो भेजेगा ही नहीं, उसी पे आपका चैनल फ्रीज हो गया है। अगर आपने एक बार, आपको पहले सोच लेना है, अगर आपको दिमाग में नहीं चल रहा है तो आप 1-1.5 महीना आप सोच लो कि आपको किस कैटेगरी पे काम करना है। एक ही कैटेगरी पे काम करो, 36 कैटेगरी करोगे ना, तो आपका बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। मोस्ट व्यू वीडियो, मतलब आपके वीडियो पे जो मोस्ट व्यू आए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अधिक व्यू आए हैं, वो कैसे आए हैं, जो आपका सब्सक्राइबर वॉच टाइम कंप्लीट हुआ वो कैसे कंप्लीट हुआ है, वो चेक करता है कि आपने पैसे देंगे तो अपना वॉच टाइम नहीं कंप्लीट करवाया, आपने पैसे देंगे तो अपना सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट करवाया, ये मायने रखता है, ठीक है ना। अगर आपने वो करवाया ना, फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। आपकी जो नई नई वीडियो है ना, उसको देखता है कि आपका जो व्यू है ना, उसमें इसमें भी बिल्कुल सेम है, आपका जो नई नई वीडियो देखता है, यानी कि आपकी जो नई वीडियो है, यानी कि 2-3 दिन पहले आपने जो वीडियो अपलोड की है ना, उसमें व्यू कैसे आए हैं। ऊपर वाले में लास्ट वीडियो देखता है, मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखता है जो वायरल हो जाती है, और नीचे वाले में 3 बार में देखता है जो वीडियो आपने 2-3 दिन पहले अपलोड किया ना, उसको आपने कैसे अपलोड किया है, उसका व्यू कहाँ से आया, ठीक है ना, ये देखता है। और वीडियो मेटा डेटा, टाइटल, थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या होता है, जो आपका वीडियो है, ठीक है ना, उसका जो टाइटल है, थंबनेल है एंड डिस्क्रिप्शन है, उसमें क्या होता है, उसमें अगर आपने किसी भी एक वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, एक वीडियो आपने बना के अपलोड किया है, फनी कैटेगरी का बनाया, वही टाइटल, वही थंबनेल, वही डिस्क्रिप्शन, सब सेम लिखा है, तो इससे भी आपके चैनल पर प्रभाव पड़ सकता है, आपका चैनल फ्रीज हो सकता है और ना वो अदर व्यूअर के पास भेजना बंद कर देगा, यानी कि पूरी तरह से आपका चैनल फ्रीज जाएगा। अगर आपको वीडियो बनाना है तो उसकी कैटेगरी भी सेम करो, उसका टाइटल भी सेम लिखो और उसका डिस्क्रिप्शन भी सेम लिखो, कुछ ना तो कुछ भाई सेम अलग होना चाहिए, या फिर एक डैश ही दे दो, अलग होना चाहिए, लेकिन उससे अलग होना ही चाहिए, ठीक है ना। और थंबनेल भी भाई हल्का से अलग होना चाहिए, एक इमोजी भी थंबनेल पे लगा दोगे और थंबनेल बिल्कुल सेम रहेगा, फिर भी आपका चल जाएगा, लेकिन अलग हल्का सा जरूर होना चाहिए। देखो हम बिल्कुल अपने सीधा लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो ये चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है चैनल अबाउट सेक्शन, ये क्या होता है भाई, ये अबाउट सेक्शन, ये कौन सा फीचर आ गया है, ये होता कहाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये फीचर यहाँ पे है, आप जब अपने चैनल को खोलेंगे ना यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब पे या फिर क्रोम पे कहीं पे भी जाके अपने चैनल को आप खोलेंगे ना, तो चैनल के नीचे जो यहाँ पे सब्सक्राइबर आपका दिखता है, ठीक है, यहाँ पे वीडियो दिखता है, ठीक है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं, और उसके नीचे जो ऐसे लिखा है ना, हाय आई एम अदर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ऐसा लिखा है ना, ये होता है भाई अबाउट सेक्शन। इसमें पता है आपका जिस कैटेगरी का चैनल है, जो जो इन्फॉर्मेशन आप देते हो, जैसे जैसे आप वीडियो बनाते हो, सब बिल्कुल डेटा ना इसमें आप लिख के देखो, कि मतलब लिख के बताना है आपको, दूसरों को दर्शाना है, क्योंकि आपके चैनल को ना वही लोग देख के वहीं से समझ जाएंगे कि आप किस कैटेगरी पर काम करते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा नया अपडेट आया है और कैसे आपको यूट्यूब पर काम करना है। अगर आप भाई जो मैंने बताया, अगर आप इस चीज़ों को फॉलो नहीं करने वाले हो ना, फिर भी आपका चैनल अगर मोनेटाइज के लिए आप अपील करोगे ना, 4000 वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना, फिर भी भाई आपका चैनल ना 100% मोनेटाइज नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।